नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन 4 से स्टार्ट है। 3 तक और इसका इंट्रो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप अगर वीडियो आपको जैसी लगती है, अच्छी लगती है या नहीं लगती, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो 4th का जो फर्स्ट पार्ट है, देखिए क्या दिया है। 2, 4, 8, 16। 3 पॉइंट का मतलब क्या है? सो ऑन, ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड द राइट 3 मोर ड्रम। यानी ये बताइए क्या ये एपी में है? अगर एपी में है तो इसकी 3 ड्रम और बताइए। तो देखो डी निकालते हैं, इसके लिए डी होता क्या है? डी ऐसे होता है a2 - a1, a3 - a2। अगर एक भी सेम नहीं है, मानो इसके, चलिए ये दोनों सेम है, तो आप तीसरा भी चेक कर सकते हो। जैसे देखो ये फर्स्ट क्या होती है a1, ये क्या होती है a2, तो 4 - 2 कितना आया? 2। अब यहाँ पे कितना होगा? a3 - a3 कितना है? 8। 8 - 4 कितना आया? 4। इसका मतलब क्या, आपने क्या देख लिया? सिंस दिस इंप्लाइज a2 - a1 नॉट इक्वल टू a3 - a2, यानी कि डी सेम है ही नहीं। अगर डी सेम नहीं है, दिस इंप्लाइज हैंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, हैंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट इन एपी, सो देयर फोर इट इज नॉट इन एपी, इट इज नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जो 4th का सेकेंड पार्ट है, वो क्या है? 2, 5/2, 3, 7/2। तो ऐसे ही डी निकाल लेंगे। देखो सॉल्यूशन डी क्या होता है? a2 - a1, a3 - a2। अगर ये सेम आते हैं तो एक और देख लेते हैं, देखो, बट दो में ही पता चल जाता है, 5/2 - 2, एलसीएम 2 आया, 5 as it is, 2 2 = 4, यानी कि कितना आया? 1/2 आया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आया? देखो 3 में से 5/2 कटा देंगे, तो यहाँ पे भी कितना आया एलसीएम आपका? 2, 3 2 = 6, -5 कितना आया? 1/2, ठीक है। अब आप इसमें से, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3 2 = 6, अब यहाँ पे देखिए 7/2 में से इसको माइनस करते हैं, a4 - a3, यानी 7/2 - 3, यहाँ पे भी आपका कितना बचेगा? 1/2 बचेगा, ठीक है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज इन एपी, इट इज इन एपी। अब एक बार सुनिए, इसकी नेक्स्ट टर्म क्या आएंगे? नेक्स्ट, जैसे ये क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आपकी ए फिफ्थ कितनी आएगी? देखो ए फिफ्थ कितनी आएगी? अब आपको ये बता रखा है, जैसे इसमें आप 1/2 ऐड कर देंगे, सीधा 1/2 ऐड कर दो, 7/2 + 1/2, तो 2 LCM आ गया, 7 + 1 कितना हो गया? 8, तो कितना आया? 4। अब आपके लिए a6, अब इसमें 4 में क्या जोड़ दोगे? जो आपका डी आ रहा है, डी कितना है? 1/2, ये हो जाएगा 4 × 8, 9/2, ठीक है। फिर आप निकालिए a7, a7 क्या होगी? 9/2 + 1/2, ठीक है, 2 LCM, 9 + 1 कितना हो गया? 10, तो ये कितना आ गया? 5, यानी a5 आपका 4 आ गया, a6 आपका 9/2 आ गया, और a7 कितना आ गया? 5 आ गया। और वैसे अगर सीधा निकालना चाहे d के लिए, अच्छे जैसे ये फर्स्ट टर्म क्या होती है, ये आपकी होती है a, ये आपकी क्या होती है? a + d,
ये होती है ए प्लस टू डी, ये होती है ए प्लस थ्री डी, यानी कि जब आप ए चार निकाल रहे हैं तो ए चार क्या है, ए प्लस थ्री डी, ठीक है। ए फाइव क्या आएगी, ए प्लस फोर डी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो ए फाइव को क्या लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो ए प्लस फोर डी। आप चेक कर लो ए कितना है आपका, टू, फोर इंटू डी, डी कितना है, वन बाई टू, तो टू टू जा फोर, तो टू प्लस टू कितना आ गया, फोर। ये ऐसे भी आपका सेम आएगा, यानी कि अगर पांचवी टर्म है तो चार डी, अगर छठी टर्म है तो ए प्लस फाइव डी, इससे एक कम आएगा, डी क्या आएगा, इससे एक कम आएगा। ये क्यों कम आता है ये आपको मैं अगली एक्सरसाइज में बताऊंगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, देखो मैंने पहले फोर्थ पार्ट लिख दिया, तो सॉल्यूशन में डी निकाल लेंगे, डी क्या आएगा, देखो माइनस सिक्स, सीधा करता हूँ, माइनस सिक्स माइनस टेन, नेक्स्ट में कितना होगा, माइनस टू और माइनस सिक्स, नेक्स्ट में कितना होगा, टू माइनस टू। देखो अब यहाँ पे माइनस सिक्स एज इट इज, ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस टेन, तो कितना आया, फोर आया। नेक्स्ट आपका कितना आएगा, देखो माइनस टू प्लस सिक्स कितना आया, फोर आया, ठीक है। अब नेक्स्ट में टू में से टू घटाएंगे, तो जैसे देखो टू माइनस, इसमें से इसको माइनस करोगे माइनस टू, तो कितना आया, फोर। डी इज सेम, आप क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम, इज सेम, हैंस इट इज इन एपी, हैंस इट इज इन एपी, इसलिए क्या है, एपी में है, ठीक है। अब आपने इसकी निकालनी, जैसे ए वन हो गया, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव टर्म निकालने हैं। ए फाइव क्या होगी, देखो बता चुका हूँ पीछे, ए प्लस फोर डी होगा, ठीक है, पांचवी टर्म है तो फोर डी, तो ए ए कितना आपका, देखो ए होता फर्स्ट टर्म, ए कितना माइनस का टेन, ठीक है, प्लस फोर डी, डी कितना है, चार, तो माइनस टेन प्लस फोर, फोर कितना हो गया, सिक्सटीन, यानी कि सिक्स आ गया, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट होगा वो क्या आएगा, नेक्स्ट आपका इसी तरीके से देखो, ए सिक्स आएगा, ए सिक्स क्या होगा, ए प्लस फाइव डी। अब ए कितना आपका, माइनस दस, फाइव इंटू डी कितना है, फोर, तो माइनस टेन, पाँचों का बीस, तो कितना आया, दस आया, ठीक है, जो आपकी सिक्स टर्म आई क्या आई, दस। अब ऐसे ही आप ए सेवन निकाल लेना, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब थर्ड पार्ट मैंने छोड़ दिया था बीच में, देखो थर्ड पार्ट देखिए, माइनस वन पॉइंट टू, माइनस थ्री पॉइंट टू, माइनस फाइव पॉइंट टू, माइनस सेवन पॉइंट टू। देखो पहले दूसरी तीसरी चौथी टर्म, ठीक है, डी, डी कैसे निकालोगे, देखो माइनस थ्री पॉइंट टू, माइनस माइनस कर दोगे, माइनस वन पॉइंट टू, इसमें से इसको माइनस करोगे, देखो ऐसे ही माइनस फाइव पॉइंट टू में से इसको माइनस करोगे, माइनस थ्री पॉइंट टू, माइनस थ्री पॉइंट टू एज इट इज, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया वन पॉइंट टू। अब देखो पॉइंट टू से पॉइंट हुए गया, तो माइनस तीन में से एक गया, तो कितना बचा, माइनस का दो। अब यहाँ पे आइए, ये हो गया माइनस का फाइव पॉइंट टू, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस थ्री पॉइंट टू, अब दो से दो गया तो माइनस का दो। सिमिलरली आप इसमें निकालोगे, देखो दो से दो घटेगा, सात में से पाँच गया, दो जाएगा, ठीक रहेगा। डी सेम, बार बार नहीं लिखता हूँ, आप लिख लेना जो लिख मैं ऊपर बोल चुका हूँ। डी सेम, हैंस इट इज इन एपी, ये क्या है, एपी में है। अब इसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी ए फिफ्थ क्या होगी, ए प्लस फोर डी, ठीक है, ए कितना माइनस वन पॉइंट टू, इसका ए, ये फर्स्ट है ए होता है, ठीक है, और डी हमने निकाल चुके हैं, तो प्लस फोर डी, डी कितना है, माइनस का टू, तो कितना हो गया, माइनस वन पॉइंट टू, चार दूनी आठ, माइनस का आठ, ठीक है, कितना हो गया, माइनस का आठ, तो कितना हो जाएगा जी, माइनस आठ और एक नौ, माइनस नौ पॉइंट दो हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस नौ पॉइंट दो। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, माइनस ग्यारह पॉइंट दो, नेक्स्ट कितना हो जाएगा, माइनस तेरह पॉइंट दो, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, देखो ए तो कितना होगा हमारा, तीन होता है, पहले हम डी निकालते हैं भाई,
क्या होता है, 8 2 - 7 बार बार नहीं लिखता, आपने लिखना है 3 + 2 - 3। नेक्स्ट क्या होगा देखो, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3 + 2 √2 - 3 + √2। अब 3 से 3 गया तो कितना बचा, √2 बचा। अब देखो यहाँ पे कितना होगा, 3 + 2 √2 - 3 - √2। 3 से 3 गया, ये 2x, मान के चलिए √x 2 को ना x मान लेते हैं, तो कितना हो गया 2x, ये कितना -x, 2x में से x गया तो कितना बचा x, x हमने क्या माना था √2। या आप ये समझ लो कि 2 √2 में से 2 बार में से 1 बार गया तो कितना बचा, 1 बार बच गया। ठीक है, तो देखो d इज सेम, हैंस इट इज इन AP, हैंस इट इज इन AP, इसका मतलब ये क्या है, AP में है। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी ना इसकी, ए फिफ्थ क्या आएगी, a + 4d आएगी, a कितना है 3, 4d, d कितना है √2, तो कितनी आई 3 + 4 √2। नेक्स्ट कितनी आ जाएगी, 3 + 5 √2, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब जो इसका सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट देखिए, 0.22 0.22 0.222। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, डी 0.2 - 2 2 में से 0.2 को माइनस करते हैं, ऐसे ही क्या करते हैं, 0.22 में से 0.222 इसमें से इसको माइनस करते हैं 0.22। देखो ये पॉइंट के बाद दो पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है, दो है, ठीक है, इसके पीछे मैंने 0 लगा लिया है, यहाँ पे 3 है तो 0 लगा लिया। देखो यहाँ पे लिखता हूँ 0.22 में से 0.20 घटाता हूँ तो कितना बचा, देखो 0.22 में से 0.20 माइनस कर देंगे, 2 2 से 2 गया 0, तो पॉइंट, तो कितना आया 0.02। अब इसमें से देखो यहाँ पे लिखता हूँ 0.222 में से किसको माइनस करते हैं, 0.220 को, तो 2 बच गया 0.00। आप चेक कर सकते हो आपका ये डी सेम नहीं है, यहाँ पे क्या 0.02, यहाँ पे क्या 0.002, हैंस डी इज नॉट सेम, हैंस इट इज नॉट इन AP, हैंस इट इज नॉट इन AP, ये AP में नहीं है। नेक्स्ट जैसे क्या है, 0 - 4 - 8 - 12 में आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट आपका जैसे है सेवन्थ पार्ट, एट्थ पार्ट क्या, -1/2 - 1/2 - 1/2 और -1/2। आप देख सकते हो सारी टर्म सेम है आपकी, तो डी कितना आएगा, -1/2 में से इसमें से इसको माइनस करेंगे ना तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 0 आ गया। नेक्स्ट इसमें से इसको करेंगे ना, -1/2 + 1/2, ये भी क्या होगा, 0। आपका ये डी सेम आएगा, ठीक है, इट इज़ इन AP, इट इज़ इन AP, इसका मतलब ये क्या है, AP में है। तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म आएगी ना, मैं यही लिखता हूँ, क्या आएगी, यही आएगी, क्योंकि डी कितना 0 है, तो -1/2 - 1/2 और -1/2। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट पे आइए, नेक्स्ट पार्ट क्या 139, जो नेक्स्ट पार्ट है आपका नाइन्थ पार्ट 139 27, ऐसे ही डी निकालोगे, देखो 3 - 1 कितना हो गया 2, 9 - 3 कितना हो गया 6। डी इज नॉट सेम, डी इज नॉट सेम, हैंस इट इज नॉट इन AP, इट इज नॉट इन AP, इसका मतलब ये AP में नहीं है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, जो इसका 10th पार्ट है, a 2a 3a 4a, आप सीधा ही चेक कर सकते हो ये AP में है, ठीक है, 2a में से a का माइनस करोगे ये बचेगा, 3a में से 2a माइनस करोगे तो a बचेगा। नेक्स्ट टर्म इसकी क्या होगी, जो थर्ड होगी,
थर्ड त्रिकोण में फाइव ए सिक्स ए सेवन थे, ठीक है। अब जो इलेवेंथ पार्ट है देखिए वो क्या दे रखा है, ए ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर। देखो ये आपको पहले ही बताता हूँ, ये एपी में नहीं है, ये जीपी में है, ठीक है। जो जीपी आप प्लस वन में पढ़ोगे तो डी निकालते हैं। जैसे देखो डी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए, कई बच्चे इसको ए लिख देते हैं, बट यहाँ पे क्या है, इसकी पावर है, ठीक है। ये क्या है, पावर। आप इसमें से ए कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, ए माइनस ए बच गया। नेक्स्ट डी जो आपका आएगा, ए क्यूब में से क्या माइनस कर दिया, ए स्क्वायर, क्या कर दिया, ए स्क्वायर, क्योंकि इसमें से ये पहले वाली को दूसरे वाली लास्ट वाले में से घटाते हैं। जैसे इसको वाली में से ये पहले वाला घटा दिया, लास्ट वाले में से पहले वाला घटा दिया, इसमें से पहले वाला घटा दिया, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए माइनस वन। देखो ए माइनस वन तो दोनों में सेम है, बट यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे ही आप थर्ड को करोगे, ए क्यूब बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये जीपी में है बट एपी में नहीं है, ए जीपी आप प्लस वन में पढ़ोगे, हैंस इट इज़ नॉट इन एपी, इट इज़ नॉट इन एपी, ठीक है, नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है। जो ट्वेल्थ पार्ट है आपका, ट्वेल्थ पार्ट को देखिए, अंडर रूट टू, अंडर रूट एट, अंडर रूट 18, अंडर रूट 32। पहले तो आप अंडर रूट को ऐसे इस तरीके से बता नहीं सकते कि एपी में होगा या नहीं होगा, पहले इसको आप सोल्व कीजिए, ठीक है। सोल्व कैसे, देखो अंडर रूट टू तो एज इट इज, इसको मैं टू अंडर रूट टू लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अंडर रूट 18 को लिख सकता हूँ थ्री अंडर रूट टू, क्योंकि बाहर अंदर जाएगा तो यही बनेगा, और इसको 4 चौक 16 दूनी 32, 4 अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये एपी में है कैसे, देखो 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 को माइनस कर दिया तो कितना बचा, देखो 2 अंडर रूट 2 यानी कि 2x में से x माइनस कर दिया तो x बचा, x क्या रहेगा, अंडर रूट 2, ठीक है। क्योंकि दो टाइम में से एक टाइम गया तो क्या बचा, एक टाइम बच गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आया, 3 अंडर रूट 2 में से इसको माइनस कर दिया 2 अंडर रूट 2 को, 3x में से 2x गया तो क्या बचा, x बच गया अंडर रूट 2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डी इज सेम, हैंस इट इज इन एपी, इट इज इन एपी, इट इज इन एपी, इसका मतलब ये एपी में। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, देखो यहीं पे लिखता हूँ, 5 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2 एंड 7 अंडर रूट 2, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो थर्टीन पार्ट, थर्टीन पार्ट देखिए, थर्टीन पार्ट में है अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9, अंडर रूट 12। देखो डी, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3, कई बच्चे इसको अंडर रूट 3 लिख देते हैं, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर है, ठीक है। बहुत बड़ी क्या है, गलती है, अपसर्ड है, इसको अपसर्ड बोलेंगे, बकवास। देखो अंडर रूट 6 में से अंडर रूट 3 माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि ये अलग कैटेगरी है, ये अलग कैटेगरी है, ठीक है। अब आप इसको सोल्व भी नहीं कर सकते, तो आप इसको क्या रखोगे, एज इट इज रखोगे, यूं का यूं लिखोगे, ठीक है। अब डी नेक्स्ट क्या होगा, अंडर रूट 9 में से किसको माइनस कर देंगे, अंडर रूट 6 को। अंडर रूट 9 क्या होगा, 3 माइनस अंडर रूट 6। जब आप बार माइनस कॉमन लेंगे ना, तब सेम आएगा ये, यानी कि डी इज नॉट सेम, डी इज नॉट सेम, हैंस इट इज नॉट इन एपी, इट इज नॉट इन एपी। और कई बच्चे क्या कर देते हैं, सीधी गड़बड़ कर देते हैं कि 9 अंडर रूट 6 में से गया, अंडर रूट 3 बच गया, ऐसे अंडर रूट 3 बच गया, तो कह देंगे कि एपी में है, ठीक है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। पहले तो आप इसको सोल्व कर दो, देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, ठीक है। ऐसे ही ये चलती रहेंगी, ऐसे ही ये चलती रहेंगी, ठीक है, सारे ऐसे ही चलते रहेंगे। तो डी क्या होगा, 9 माइनस 1 8, 25 माइनस 9, देखो 9 में से गया 8, 25 में 9 गया कितना गया, 15 में से 9 गया 6, 16 बच गया जी, ठीक है। अब एक बात बताओ, डी क्या सेम है, नहीं है, डी सेम नहीं है। अब चेक कर सकते हो, डी यहाँ पे कितना आया, 8, यहाँ पे कितना आया, 16।
हैंस इट इज नोट इन एपी, हैंस इट इज नोट इन एपी, ये एपी में नहीं है। जो लास्ट पार्ट है हमारा, लास्ट पार्ट देखिए, जो आज की वीडियो का भी और आपकी इस एक्सरसाइज के जो लास्ट समय उसका भी, तो फिफ्टीन पार्ट, वन का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर, सेवन का स्क्वायर एंड 73। इसको वन का स्क्वायर लिख देंगे वन, फाइव का स्क्वायर लिख देंगे 25, सेवन का स्क्वायर 49 और 73। तो यहाँ पे डी निकालते हैं, देखो डी क्या आएगा, मैं सीधा निकालता हूँ, 25 में से एक गया 24, ठीक है। अब ऐसे ही डी आप इसका नेक्स्ट में से निकालते हैं, 49 माइनस 25 कितना आया 24। नेक्स्ट ऐसे ही 73 में से देखो 13 में से 9 गया कितना बच गया 4, और 6 में से 4 गया कितना बच गया 2, यहाँ पे भी कितना बच गया 24। Hence it is in AP. Hence it is in AP. और आप फिर क्या कर दीजिए, इसमें 24 जोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट टर्म में 24 जोड़ दीजिए, तो आपकी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। और आज की वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।